ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली जीतने का मंत्र दे दिया है। दिल्ली में 2014 में जीत के लिए तमाम नेताओं के बीच माथापच्ची के बाद मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा, बूथ जीतो, चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। मोदी का पहला मंत्र, बूथ अफसर से बढ़ाओ दोस्ती। मोदी ने कहा, चुनाव बूथ मैनेजमेंट से जीता जाता है। बूथ मैनेजमेंट का मतलब है बूथ पर तैनात इलेक्शन अफसर से दोस्ती बढ़ाओ। ये अफसर ही हर चुनाव में वोट की उम्र हासिल करने वाले 15 से 20% नए वोटरों की लिस्ट तैयार करते हैं। मोदी का दूसरा मंत्र, नए वोटरों से पहचान बनाओ। बूथ अफसरों की मदद से नए वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ाओ। उन्हें इस तरीके से समझाओ कि वो बीजेपी के लिए वोट करें। मोदी का तीसरा मंत्र, 15 से 20% वोटर जीत दिलाएंगे। मोदी ने कहा कि ये बात हर बूथ कार्यकर्ता समझ ले कि 15 से 20% नए वोटर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव के नतीजों को हमारे पक्ष में करने वाले यही नौजवान वोटर हैं। इनसे ही पार्टी 272 के मैजिक नंबर को पार करेगी। 272 सीटों से ज्यादा सीटें पाने का खुद के बलबूते पर वो मिशन 272+। मोदी का ध्यान फिलहाल सीटों के नंबर पर नहीं, एक एक बूथ पर है। लेकिन कांग्रेस नेता शकील अहमद बीजेपी का मजाक उड़ाने से नहीं चुके। शकील ने ट्वीट किया, बीजेपी का कट्टर समर्थक भी इस दावे पर हंस हंस कर पागल हो जाएगा कि बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में 272 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी। कांग्रेस भले ही बीजेपी का मजाक उड़ाए, लेकिन गुजरात में मोदी ने अपने सुपरहिट फॉर्मूले से हैट्रिक लगाई है और अब वो इसी फॉर्मूले को 2014 में आजमाने वाले हैं। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जीत का मंत्र देने के साथ ही मोदी ने बड़ा कार्ड खेला। पहली बार मोदी बोले, चुनाव जीतना है तो मुस्लिमों को जोड़ना होगा। इसके बाद पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा, हवा बन चुकी है, बीजेपी 272 का जादू आंकड़ा पार कर जाएगी। दिल्ली में मीटिंग से सीनियर लीडर्स बाहर निकले तो मोदी के मंत्र से गदगद दिखे। मोदी के एक एक सुझाव इनके दिल में बस गए। हाँ, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को भी जोड़ना है, जो विलिंग रहे वो उसको जोड़ेंगे। उन्होंने कहा पसमांदा मुस्लिम तो अगर चाहते हैं तो उनको भी जोड़ेंगे। और ऐसे भी हुआ कि मुस्लिम समाज को जोड़ा जाए और जो लोग आना चाहें हम लोग उसको ले। मैं तो केवल इतना एक बात कहना चाहूंगा कि वो कट्टरवादी नहीं है, वो राष्ट्रवादी हैं। और राष्ट्र में वो सब लोग आते हैं, चाहे किसी धर्म और पंथ के हों, जो भारत माता को भारत माता मानते हैं, भारत के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। मोदी ने चुनाव में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी 272 नहीं 280 सीटें लाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले हम 2 से 180 तक पहुंच गए और 180 से 280 तक पहुंचना इस सिचुएशन में संभव है। कारण क्या है, देश में इतना अनुकूल वातावरण कभी भी नहीं था। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ठोक नहीं सकता। बीजेपी ने अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि पार्टी में मोदी नंबर 1 बन चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।